What is up? क्या बोलते पब्लिक, कैसा ईयरफोन है? सो दोस्तों, ये है पीट्रॉन की तरफ से आने वाला पीट्रॉन का बूम 3। इसका एक लाइटर वर्जन भी आता है जो कि है बूम 2। तो इसका प्राइस है 599 रुपीस, नॉर्मली यही रहता है। मैंने इसको 549 रुपीस में ख़रीदा है, मेरे को ये ऑफर में मिला। तो आप लोगों ने तो इसका अनबॉक्सिंग देख लिया, तो बेसिकली ये एक फर्स्ट इंप्रेशन एंड अनबॉक्सिंग वीडियो है। अगर आप लोग इसको खरीदना चाहते हो तो आप लोगों को नीचे बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, उससे जाके आप लोग खरीद सकते हो। तो सबसे पहले इस ईयरफोन की शुरू करते हैं बिल्ड क्वालिटी तक। तो सबसे पहले इसके जैक से शुरू करते हैं। तो इधर आप लोगों को एक गोल्ड प्लेटेड जैक देखने को मिलता है, तो मेरे को ये अच्छा लगा। उसके ऊपर आप लोगों को मेटल का फिनिश मिलता है, मेटल मिलता है इसके ऊपर, उसके ऊपर आप लोगों को पीट्रॉन का ब्रांडिंग भी मिलता है। एंड ये जो है मेरे को अच्छा लगा, लेकिन एक चीज़ मेरे को यहाँ पर दिक्कत लगी कि ये एलसेप का नहीं है। एलसेप होता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो ये मेरे को थोड़ा सा इसका कॉन लगा। उसके बाद इसकी वायर क्वालिटी के बारे में बात करें, तो इसका जो वायर क्वालिटी है वो भी मेरे को ठीक ठाक से लगा। ऑब्वियसली प्राइस के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर ब्रेडेड केबल होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर आप लोग को कोई भी ब्रेडेड केबल नहीं मिलता। ये एक रबराइज फिनिश के साथ आता है, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे ड्यूरेबिलिटी में शक हुआ कि उतना ज़्यादा ड्यूरेबल होगा कि नहीं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके माइक के बारे में, तो इधर आप लोगों को प्लास्टिक का एक माइक देखने को मिलता है। एंड इसके ऊपर मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि इसमें आप लोगों को एक वॉल्यूम स्लाइडर मिलता है, मतलब कितना परसेंट आप वॉल्यूम रखना चाहते हो उसको आप लोग इससे डिसाइड कर सकते हो। ये हर एक ब्रांड को देना चाहिए, मेरे को बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंटेशन लगा, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। इसके बाद आप लोगों को एक बटन मिलता है कॉल रिसीव करने के लिए या फिर गाने वाने बदलने के लिए, ये मेरे को अच्छा लगा। लेकिन इसका जो प्लास्टिक का फिनिश है वो मेरे को लगा कि और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था, लेकिन अभी ये प्राइस में और क्या मिल सकता है, तो मैं उतना भी ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा। अभी आते हैं मेन दो ईयरफोन के में। तो इधर आप लोगों को जो ईयरफोन का क्वालिटी मिलता है वो भी आप लोगों को बहुत ही बेटर देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें भी आप लोगों को प्लास्टिक यूज़ किया गया है, लेकिन ये बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। एंड इसका जो डिज़ाइन है, मतलब डुअल ड्राइवर वाला, तो ये मेरे को अच्छा लगा। तो इसमें एक चीज़ मैं बताना शायद से भूल गया, ये डुअल ड्राइवर के साथ आता है और एक एक ड्राइवर 8 NM के हैं, तो 8 NM 8 NM 16 NM के दो, मतलब 16 NM के ड्राइवर हैं दोनों में, तो यहाँ पर टोटल 4 ड्राइवर्स देखने को मिलता है। तो इसका मेन USP यही है कि इसमें आप लोगों को डुअल ड्राइवर्स देखने को मिलता है। और मेरे को एक चीज़ यहाँ पर दिक्कत ये लगी कि इधर आप लोगों को ना कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता रबर का, तो ये मेरे को अच्छी नहीं लगी। अगर होता तो ज़्यादा अच्छा होता, जैसे कि आप लोग इधर जैक में देख सकते हो, जैक में आप लोगों को एक प्रोटेक्शन मिलता है रबर का, वो अच्छा है। इसके बाद मैंने कुछ देर तक इसमें गाने सुने, तो मेरे को इसका साउंड क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब एकदम टॉप नॉच तो नहीं है, लेकिन मेरे को अच्छा लगा। इसका बेस एंड ओवरऑल सब कुछ एकदम बैलेंस मिलता है। अभी तो ये फर्स्ट इंप्रेशन है, तो मैं फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को। तो मेरे को म्यूज़िक क्वालिटी भी अच्छा लगा, लेकिन जब आप हाई वॉल्यूम पे, एकदम हाई वॉल्यूम पे सुनते हो, तो मेरे को थोड़ा सा वहाँ पर डिस्टॉर्शन फील हुआ। तो लेकिन आप लोग हाई वॉल्यूम पे सुन भी नहीं पाओगे, आप लोगों का कान दर्द करने लगेगा क्योंकि बहुत तेज़ है ये। तो मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है, चलो इस प्राइस में ठीक है, ये डिस्टॉर्शन थोड़ा बहुत होता है। लेकिन यहाँ पर जो फिटिंग है ना भाई, मैं बोल सकता हूँ फिटिंग भाई कतई जहर है इस ईयरफोन का, क्योंकि अगर आप लोग इसको एक बार कान में ऐसे लगा लोगे ना, तो ये जितना भी हिलाओगे आप इसे, ये निकलेगा नहीं भाई। मैं सर हिलाने के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ और मत सोचना, ठीक है ना? सोच अच्छी करो अपनी। एंड गाने वाने सुनने के बाद मैंने इसमें थोड़ी बहुत पबजी भी खेला, तो पबजी में भी मेरे को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये गेमिंग ईयरफोन है, लेकिन इसके बॉक्स में कहीं भी गेमिंग ईयरफोन का जिक्र नहीं है। लेकिन मेरे को लगा कि ये गेमिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा ईयरफोन है, क्योंकि डुअल ड्राइवर मिलता है तो इसका एडवांटेज भी है, और आप लोगों को जो फुटस्टेप्स हैं, जो बूम की आवाज़, जो गन्स की आवाज़, वो अच्छे से डिफाइंड होते हैं। अगर फुटस्टेप्स राइट साइड से आते हैं तो आप लोगों को राइट साइड में आराम से पता चल जाएगा। अच्छा चीज़ है, मतलब मेरे को गेमिंग के लिए ये बहुत ही बेहतरीन लगा। गेमिंग के लिए एक्सपीरियंस बहुत ही, मतलब बढ़िया आप लोगों को एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसमें एलसेप कनेक्टर नहीं मिलता, वायर क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छा मिलता है। और मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि अगर आप लोग बहुत ही हार्ड कोर म्यूज़िक नहीं सुनते, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, म्यूज़िक क्वालिटी भी अच्छा है। लेकिन इधर
गेमिंग के लिए मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। अगर आप लोग गेमिंग के लिए कोई ईयरफोन ढूंढ रहे तो ये एक बहुत ही बढ़िया ईयरफोन हो सकता है आपके लिए। इसका फिटिंग इतना अच्छा है ना और इतना कंफर्टेबल है, मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा क्योंकि इसका फिटिंग इतना अच्छा है कि इसका एक रीज़न मेरे को ये लगा कि इधर आप लोग को ना एक रबर का साइड में सपोर्ट मिलता है, इसकी वजह से इसका फिटिंग और भी ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये ईयरफोन फिटिंग के मामले में, क्योंकि ये निकलता नहीं, बहुत ही अच्छे से कान में फिट हो जाता है और मेरे कान थोड़े से छोटे हैं तो फिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो ये बहुत ही अच्छे से फिटिंग आ रहा है इसमें, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। एंड अगर आप लोग इसे ख़रीदना चाहते हो गेमिंग के लिए, बहुत ही बढ़िया है, तो गेमिंग के लिए अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हो तो मैंने नीचे आप लोगों को बेस्ट बाय लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो उससे जाके आप लोग खरीद सकते हो। ओके गाइज, आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कि एक गेमिंग ईयरफोन ढूंढ रहा है, या फिर कोई भी अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर देना। ओके गाइज, दैट्स वन इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।